सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करने का बहुत सारा वेबसाइट्स है, लेकिन उनमें से आप किसी भी उल्टी सीधी वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे तो आपको आईडी बैन भी हो सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक सेफ एंड सिक्योर वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप नॉर्मल फ्री फायर को इजिली डाउनलोड कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के आज की इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप सभी को इस वेबसाइट में आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आप सभी को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट में आ जाओगे। तो यहाँ पर आप सभी को अभी करना क्या होगा, इस सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को अभी सर्च करना है फ्री फायर। इसके बाद जो है नॉर्मल फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों आ जाएगा। तो नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करने के लिए आप सभी को पहले वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को गो टू डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को फ्री फायर एपीके और फ्री फायर ओबीवी फाइल दोनों देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से सिर्फ आप सभी को फ्री फायर एपीके को डाउनलोड करना है, आपको ओबीवी फाइल को डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप ओबीवी फाइल को यहाँ से ही डाउनलोड करोगे तो आपको ओबीवी फाइल को सेट करने में दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर से सिर्फ आप सभी को फ्री फायर एपीके को डाउनलोड करना है। तो फ्री फायर एपीके को डाउनलोड करने के लिए आप सभी को पहले वाला पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को 7 सेकंड वेट करना है। इसके बाद आप सभी को डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को अभी करना क्या होगा, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि फ्री फायर एपीके डाउनलोड होने में कितना बाकी है और कितना डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड कम्प्लीट हो जाएगा आप सभी को इस पर टैप करना है और एपीके को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही ओपन करोगे आपको कुछ परमिशन मांगेगा, आपको कंफर्म कर देना है, अलाउ कर देना है। इसके बाद आप सभी को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको रिज्यूम डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है ओबीवी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही डाउनलोड कम्प्लीट हो जाएगा गेम ओपन हो जाएगा और आप नॉर्मल फ्री फायर को इजिली खेल पाओगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपका आईडी बैन होगा। सो गाइस, आप इसी तरीके से नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।